बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चना चाट तो बहुत सारे तरीक़ों से आपने खाई होगी, लेकिन ये वाली जो चना चाट है ना, लाजवाब है, बहुत आसान है और मज़ेदार है। तो इसके लिए हमने सफ़ेद चने 1 कप लिया है, रात भर भिगो दिए थे, नमक डाल के बॉईल कर लिए। 1 कप लिया है आपने खीरा काट लिया, और टमाटर 1 अदद। टमाटर यहाँ पे बीजों समेत लिया है, खीरा छिलके के समेत लिया है, आलू 1 अदद काट के बॉईल करके कट कर लिया है, वो भी 1 कप के जितना ही है। यहाँ पे हमने प्याज ली है सफ़ेद, उसका हिस्सा भी ले लिया स्प्रिंग अनियन का, और सब्ज़ हिस्सा भी ले लिया है। 1 प्याज हमने इसमें डाल दी है। अगर आप वैसे दूसरी प्याज लें तो उसको थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरह मल के तो धो लीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी बंद गोभी के पत्ते डाले हैं काट के, और इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये वाली जो चना चाट है ना, जो लोग डाइट पे हैं, वेट कॉन्शियस हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जिनको कोई ब्लड प्रेशर का इशू है, बीपी हाई जिनका हो जाता है, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जिनको लेथार्जिक फील होता है, कमज़ोरी फील होती है रोज़े के अंदर, वो भी आप इफ्तारी में ये लें तो उनके लिए भी एक ताकत का बहुत बड़ा ख़जाना है ये, और हेल्दी भी है। यहाँ पर इमली की चटनी मैंने डाल दी है 2 सर्विंग स्पून भर के। 2 सर्विंग स्पून आप डाल लें, टेबल स्पून डालें तो आप 4 टेबल स्पून डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे इसको, ये जो चटनी है ना, ये कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। इस चटनी का इतना कोई आला फ्लेवर है ना कि आपको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर खाली ये चटनी भी डाल देते हैं ना, तो चना चाट लाजवाब बनती है। ये चटनी जो है, इसका लिंक आप मेरे चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो ये वाली चटनी मैंने कुछ ही दिन पहले बनाई है, तो इस चटनी का लिंक आपको उधर से मिल जाएगा। तो आप ये देख के ज़रूर बना के रखिएगा। रमज़ान से पहले मैंने बनाई थी, अभी तक काफ़ी सारी पड़ी हुई है। और दूसरा जो इसका इन्ग्रीडियंट है, वो जो इसको बहुत ज़्यादा और टेस्टी और मज़ेदार बनाएगा, वो हमारे पास है। यहाँ पे एक चाट मसाला, चाट मसाला मैंने लिया है पैकेट वाला। चाट मसाला की रेसिपी आपको बहुत सारी YouTube पे मिल जाएंगी, आप घर में भी बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, वही वाले मसाले जो घर के होते हैं, उन्हीं को थोड़ा सा क्वांटिटी का आप ध्यान रख के डालिएगा, तो उसी से चाट मसाला तैयार हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे रेडीमेड चाट मसाला डाला है, 1 टीस्पून भर के स्प्रिंकल कर दिया है, और आप यहाँ पे देखें लुक कितनी अच्छी आई है चने चाट की। और ये जितनी अच्छी देखने में लग रही है ना, उससे भी कहीं मज़ेदार खाने में लगती है। और आपने देखा कि बनाना कितना आसान है, 3 से 4 मिनट की टोटल रेसिपी है। अगर आपके पास चने बॉयल करके पहले रखे हों ना, रमज़ान प्रेपरेशन में आप चने वगैरह तो बॉयल करके आपने रखे हुए ही होंगे, तो इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर अगर आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और किस शहर से, किस जगह से, किस इलाके से आप हमें देख रहे हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। और चाट ट्राई करने के बाद फीडबैक लिखना ना भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे रमज़ान में। टिल देन, खुदा हाफिज़।